लखनऊ में एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के 9 साल के बेटे नामिश की मौत मंगलवार को सड़क हादसे में हुई। मासूम नामिश को एसयूवी के दौरान रौंदने वाले दो आरोपी सार्थक सिंह और देवश्री वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर गैर इरादतन हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में सामने आया है कि देवश्री कानपुर निवासी सर्राफा चाचा की एसयूवी लेकर सुबह निकला था। हादसे के वक्त एसयूवी सार्थक चला रहा था। घर जाकर पिता को इसकी जानकारी दी तो सार्थक सिंह के पिता ने गाड़ी छुपाने की कोशिश की, इसीलिए सार्थक सिंह के पिता के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। ये थाना गोमती नगर विस्तार में 21 नवंबर के प्रातःकाल एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे के साथ एक दुर्घटना हुई, जिसके संबंध में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें इस घटना के जिम्मेदार दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और जिसमें प्रयुक्त की गई गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। घटनाक्रम के संबंध में आरोपियों ने बताया कि उसमें से एक आरोपी देवश्री वर्मा के चाचा ने एक नई एक्सयूवी 700 अभी 2 महीने पहले खरीदी थी और उसके चाचा वर्तमान में लखनऊ में किसी शादी की वजह से आए हुए थे और ये दोनों लड़के उसमें तेज स्पीड से गाड़ी चलाने चाहते थे, उसको टेस्टिंग करना चाहते थे। इसीलिए रात में देवश्री वर्मा ने अपने चाचा से गाड़ी और गाड़ी की चाबी लेकर के अपने पास रख ली थी। प्रातःकाल उठ करके देवश्री वर्मा अपने मित्र सार्थक सिंह के पास गए, जहाँ सार्थक सिंह के बारे में उसको जानकारी थी कि उसके पास लर्निंग लाइसेंस है, इसीलिए ये लोग सुबह में गए, जहाँ पे देवश्री वर्मा ने उसको बताया कि सुबह सुबह पुलिस चेक नहीं करती है। फिर दोनों वहाँ से गाड़ी लेकर के G20 रोड पर आए, जिसमें एक तरफ से देवश्री वर्मा गाड़ी चला रहा था और उसको उन्होंने आपस में शर्त रखी थी कौन ज़्यादा तेज़ी गाड़ी चलाता है। तो देवश्री वर्मा भी बहुत तेज़ी से गाड़ी लेकर के निकला और रास्ते में एक माँ बेटी जो वहाँ पर थे उस समय मौजूद, उनसे ऑलमोस्ट भिड़ते भिड़ते बचे। पुनः जब वापस में G20 रोड पे वापस आ रहे थे, तब गाड़ी की स्टेयरिंग देवश्री वर्मा से सार्थक सिंह ने ले ली और फिर उसको देवश्री वर्मा भी उकसाते रहे कि तुम मेरा रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाओगे। इस तरीके से तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए जब ये वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे तो मृतक के सामने उन्होंने उसके, क्योंकि अनियंत्रित तरीके से गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने फुटपाथ पर चलने वाले मृतक के ऊपर एक गाड़ी चढ़ा दी और जिसकी वजह से दुर्घटना हुई।